दोस्तों कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लेना। एसएससी से रिलेटेड जितने भी छोटे बड़े डाउट कन्फ्यूजन आपके मन में चल रहे हैं वो सारे के सारे होपफुली इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। इतना कन्फ्यूज तो यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट, आईएएस का एग्ज़ाम देने वाले, आईपीएस का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे भी नहीं रहते होंगे। जितना कन्फ्यूज इस एसएससी ने स्टूडेंट और पेरेंट्स को कर रखा है, आप भी कन्फ्यूज हो रहे होंगे और बहुत परेशान हो चुके होंगे। बट एंड मोमेंट पे अब आपको करना क्या है, रिजल्ट आएगा कब, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, एडमिशन कब होगा और आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, आखिर एसएससी में चल क्या रहा है, तो यार सब कुछ इसी वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो, शेयरिंग कर दो अपने सभी दोस्तों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हो रखे हैं एसएससी के रिजल्ट को लेकर के। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से एजुकेशनल सारे अपडेट लगातार मिलती रहेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इतना डिले आखिर क्यों हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं आपको सुकून दिला दूँ कि जो एग्ज़ाम अभी हुए हैं उनके एटलीस्ट आपके एग्ज़ाम तो सारे हो चुके हैं, जो भी बचा है वो सेकेंड राउंड का बचा है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज स्टेम वाले हो रखे हैं, क्योंकि स्टेम का अभी भी कुछ तक नहीं आया, कुछ डोमेन का एटलीस्ट फर्स्ट राउंड तो आ गया है, तो वो बच्चे एक तरह से इंगेज हो रहे हैं, चलो भाई फर्स्ट राउंड का आ गया है तो चलिए अब सेकेंड राउंड दे दिया है हमने, उसका भी आ जाएगा, तो कुछ का सेकेंड राउंड का सेकेंड स्टेज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें चल रही है। बट अभी तक आर्म फोर्स का रिजल्ट डिले है और स्टेम का तो अभी कुछ पता ही नहीं है। आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, आपने सेकेंड राउंड भी दे दिया है, तो अब क्या होने वाला है आपके साथ, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं होने चाहिए वो सारे के सारे अपने पास रख लो। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप एक बार हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार रखो। अगर आपका फर्स्ट सेकेंड राउंड आपका एवरेज रहा, या आपको लग जाता है एक अनुमान लग जाता है कि भैया मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ या मैंने परफॉर्मेंस कैसा दिया, जो एग्ज़ामिनर थे वो आपस में जब बातें करते हैं तो कैसा उनका रिएक्शन था, तो ये कहीं ना कहीं हमें 70-80% का अंदाज़ा आपको लग जाता है। तो बहुत सारे बच्चे मुझ तक अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि सर हमारा अच्छा गया है या हमारा अच्छा नहीं हो पाया है, तो बहुत सारे बच्चे मुझे अपनी पूरी फीलिंग शेयर करते हैं, सर ऐसा ऐसा हुआ है, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, कुछ पूछा ही नहीं है, तो क्लियर हो जाता है कि भैया पूछा ही नहीं है तो इसका मतलब क्या, जब पूछा ही नहीं है तो आपका नहीं हो पाएगा। बहुत सारे मेरे पास डेली कमेंट्स आ रहे हैं कि एसएससी का रिजल्ट नहीं आएगा, एसएससी का रिजल्ट अब एडमिशन इस साल कैंसिल हो गए हैं, तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं है, कैंसिल कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक प्रोसीजर होता है उसमें टाइम लगता है, वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हमें और ज़्यादा वो महसूस हो रहा है। और दूसरा हमारे सामने भी है कि सेशन नया शुरू हो गया है, तो हम कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है चांस कि मेरा हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा होल्ड रखिए, तब तक आप अपनी एनसीईआरटी की पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ये भी लेकर के चलना होगा कि अगर नहीं आता है तो क्या होगा, आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको YouTube पे भी बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो अपनी 9 की पढ़ाई को जारी रखें। दूसरे वो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो यार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके स्कूल तो खुले हुए हैं। और बहुत सारे बच्चे कह रहे कि हम स्कूल जाएँ कि नहीं, अरे यार आप स्कूल में जाओ ना, आपने अगर नॉन प्लान का एडमिशन भी फॉर्म भी भर दिया तो रिजल्ट आ जाता तो स्कूल जाइए, आप स्कूल ज्वाइन कीजिए। अगर आपका स्कूल ज्वाइन है, आप पढ़ रहे हो, तो जो जो भी आपको पढ़ाई जा रही है ना वो सारी चीज़ आपको क्लियर होती रहेगी, तो आपका नुकसान नहीं होगा, राइट।
और अगर आपका SSC में नाम आ जाता है तो आप शिफ्ट हो जाइए उधर, और आपका अंदर ही अंदर इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अपना एडमिशन करा लीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लीजिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम प्राइवेट वालों के साथ आ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, बट देखिए इससे अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन कुछ भी नहीं है। आपको अपनी स्टडी को, 9th की पढ़ाई को आप शुरू कर दीजिए, ये सोच के आप बिल्कुल साइड में मत रखिए कि हमारा तो SSC में हो ही जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जिन एक दो डोमेन का आ गया है उनका सेकेंड राउंड कब आएगा। उससे पहले हम बात करेंगे कि आर्म फोर्स का क्यों नहीं आ रहा है। देखिए आर्म फोर्स का होता क्या है कि अभी जो सेकेंड राउंड है वो आपका मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा, तो उसके लिए प्रॉपर पैनल बिठाया जाता है, प्रॉपर सिस्टम होता है। अभी तक जिनके सेकेंड राउंड हुए हैं उनमें क्या था, ओरल टेस्ट था, कुछ आपको प्रैक्टिकल बनाना था, घर से बनाना था, ले जाना था। अब जो आर्म फोर्स का है ना, वो एक तरह से अगर आपने आर्म फोर्स वाला स्कूल देखा होगा तो वहाँ पर सारा का सारा एक आर्मी, जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना वैसी होता है, तो प्रॉपर वे में ही उन बच्चों को ही सेलेक्ट किया जाएगा जो उस लायक हैं, इसलिए थोड़ा सा डिले चल रहा है। रही बात स्टेम की, तो यार स्टेम का तो फर्स्ट राउंड में ही आपका एडमिशन का प्रोसीजर हो जाएगा, और अगर आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ भी जाता है तो उसके बाद आप फिर कंफ्यूज रहोगे कि यार हमारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, कब हमें स्कूल अलॉट होंगे, कब हमारा एडमिशन फाइनल होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं और ये एंड मोमेंट तक बनी रहती है। तो यहाँ पर आपको क्लियर ये होना है कि जो पिछले साल था, पिछले साल जो रिजल्ट आया था वो मई के स्टार्टिंग में लगभग रिजल्ट आया था। मतलब अभी तो आपका अप्रैल चल रहा है ना, आप ये सोचिए कि अभी इस साल जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जिनका आया ना वो जल्दी आ गया। पिछले साल मई तक तो रिजल्ट आया था, स्टार्टिंग मई, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो लगभग मई 15-20 के आसपास में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जब डॉक्यूमेंट आपके 10-15 मई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, रिजल्ट आपका मई में आ रहा है, तो यार थोड़ा सा आप पेशेंस बना करके रखें, रिजल्ट आपका आएगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, और एक सिस्टम होता है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं, वो सारी चीज़ें चल रही है, कैलकुलेशन चल रहा है, सिस्टम बन रहा है आपका रिजल्ट, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। एंड मोमेंट पे मैंने आपको सॉल्यूशन यही दे दिया है कि आप अपनी पढ़ाई को, 9th क्लास की पढ़ाई को सीरियसली लीजिए। फिलहाल आप SSC को भूल जाइए, उसमें होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो अच्छी बात है, बट आपको अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं करना है। अपनी नोटबुक बनाते रहिए, जब तक आपके किताबें नहीं लेते हैं आप, तब तक आप, हमने एक वीडियो बनाया था आपको कि भाई कैसे आप तब तक अपनी फ्री की किताबें ले सकते हैं, NCERT की सारी, हिंदी इंग्लिश मीडियम सारे क्लासेस की, आप उनसे अपना काम चला लीजिए, कॉपी बनाइए, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट हो। लेकिन रिपीट ना करें कि यार रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि वीडियो आपने देख ली तो आप थोड़ा सा हमारे चैनल पे जो अपडेट आती है उसे आप देखते रहिए, क्योंकि अपडेट मिस नहीं होना चाहिए आपसे, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो परेशान नहीं होना है, आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मई तक तो पिछली बार आया था, तो आप ये मान के चलिए कि उसी आसपास में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसके बाद दौर चलेगा, डॉक्यूमेंट अपने साथ में रखिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। जय हिंद।